नमस्ते आदाबाल और हेलो कैसे है? आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे और होंगे खुश तो यार अगर आपने कुछ नोट किया हो तो बताना क्या नोट किया है जो हमें शुरू से देख रहे हैं उनको पता है बड़ी आइकॉनिक किस्म की चीज़ है भाई शुरू से आपका भाई इसको यूज़ करता है तो खैर बाकी हमारा ब्लॉग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि उस पर कल परसों भी नया ब्लॉग आया और आज भी होपफुली एक ब्लॉग आ जाएगा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार आप डेली ब्लॉगिंग करने की कोशिश करो तो हम जरूर करेंगे और अगर आज हम जो बात जा रहे हैं जिस वीडियो पे आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा इंसानियत की अगर एग्जाम्पल देनी हो तो बड़ी ही प्यारी एग्जाम्पल दूंगा और वो इंसानियत की की ह्यूमैनिटी आ रही है डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया mm. और इंडिया में भी मेरे ख्याल से चेन्नई से और एक पाकिस्तानी लड़की जिसको के इंडियन हार्ट दिया गया है और डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सारी सर्जरी की है mm. और इंडियन डोनर ने उनको हार्ट दिया है कि इससे बड़ी अब इंसानियत की क्या एग्जांपल मैं आपको दूं? उन्नीस साल की आयशा राशिद जो कि कई टाइम से उनको ये मसला है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उनको सर्जरी के पैसे नहीं थे डोनर तो बाद की बात है पैसे ही नहीं थे उनके पास बाद में कहीं पता चलता है कि वो डोनेट कोई करेगा कि नहीं करेगा अरेंज होगा कि नहीं होगा इंडिया वो गई इंडिया में वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनकी सारी ये देखी चीज़ और उन्होंने फैसला किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनकी सर्जरी करेंगे और हार्ट वगैरह कैसे हुआ आई होप इस वीडियो में वो सब कवर होगा मतलब cost. कितनी बड़ी बात है इंसानियत की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है और वो इंडिया से आ रही है और मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जो आम हम लोग हैं कॉमन लोग हैं उनको अगर आप उठा के देख लें तो वो बड़ा प्यार करते हैं अगर हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी इंडिया जा रहे हैं इतनी उनको प्यार मिलता है इंडियन कभी पाकिस्तान आ रहे हैं उनको इतना प्यार मिलता है तो हम आम लोगों में प्यार है कोई भी किस्म की कोई किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है बहरल ये वीडियो हमारे पास है लेगेसी कोर्ट्स चैनल से पाकिस्तानी गर्ल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया आयशा राशिद इनका नाम है देख लेते हैं देखने के बाद करेंगे डिस्कशन For those who says India is anti-Islamic should remember that India has always helped the needy irrespective of their religion and country. Aisha Rashid, a 19-year-old from Karachi, Pakistan, received a life-saving heart transplant in Chennai, India after facing financial and health challenges. Mm -hmm. yeah. The medical journey of 19-year-old Aisha Rashid began in 2019 after a cardiac arrest in Karachi due to a pre-existing heart condition. She traveled to Chennai for medical evaluation. Despite her initial treatment, her health complications persisted, and she returned to Chennai in June 2023 for a transplant. Dr. K. R. Balikrishnan, renowned chief of heart transplant at MGM Healthcare, emerged as a ray of hope for the teenager hey, and her family. He not only recognized Aisha's medical problems but also her financial distress and collaborated with Ashwanyal. The Chennai-based Health Care Trust to finance her treatment. A collaboration on January 31st, 2024. A heart was airlifted from Delhi to Chennai, paving the way for Aisha's life-saving transplant surgery. Expressing her gratitude, Aisha thanked the Indian government and her doctors, expressing her desire to return to India in the future. Aisha's single mother Seloob also shared her emotional journey. Recounting the challenges they faced in the lifeline extended by Dr. Balakrishnan and the medical team in Chennai. She expressed her joy at her daughter's successful transplant in India. Oh, And yeah, और फाइनेंशियल इश्यूज सिंगल मदर है इनकी जो मदर है उसके बाद फिर हाँ। इंडिया गई थी ना इंडिया जून में ये गई थी और में। हाँ और फिर जाके जो एम जी एम हेल्थ केयर में डॉक्टर बाला कृष्णन उन्होंने इनके लिए ये एक जो है ना उम्मीद की किरण नहीं होती वो ये बने थे और इन्होंने फिर उसके साथ दूसरी को किया था ऐश्वर्यम चेन्नई बेस्ड हेल्थ केयर के साथ ट्रस्ट के साथ ताकि फाइनेंस कर सके इनका ट्रीटमेंट और ये बड़ा महंगा होता है ये भी बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ा जेस्चर है और फिर जनवरी में दिल्ली से जी इनको डोनर मिले थे जिनका हार्ट फिर एयरलिफ्ट किया गया था डायरेक्ट टू चेन्नई मतलब कमाल की बात है ना और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं ये नहीं है आज ये नहीं है लेकिन देखो इनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और इनकी हाँ चलता और है। इनकी मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनके यहाँ एक कुछ लगाया हुआ था उन्होंने जिसना एक वो नहीं होता दिल लगाने के बाद कुछ कवर करने के लिए कैप्स या क्या मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है तो किस मुश्किल से ये गुजरी हैं कितना तक और इन डॉक्टर ने ये भी बोला इनसे जब पूछा गया कि आपने फाइनेंशली हेल्प किया तो उन्होंने बोला बच्ची है और ये मेरी बेटी भी हो सकती थी इन डॉक्टर ने ये बोला था उन्होंने तो, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है मैं भी स्पीचलेस हूँ और उनकी शक्ल अगर आप देखो छोटी सी बच्ची है और किस थी मतलब हमारे पास जो है उसका हमें शुक्र करना चाहिए और किन-किन लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम से गुजरना आप कीमत नहीं लगा सकते। और फिर वो फाइनेंशियल बता रहे हैं फिर एक सिंगल मदर के लिए सब कुछ करना और मैंने नीचे इस वीडियो के कॉमेंट देखे सभी पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे थे थैंक यू इंडिया और इंडिया के लिए बहुत सारा प्यार और हम भी दिल से थैंक यू करते हैं इन डॉक्टर बालाकृष्णन को इनके ट्रस्ट को ऐश्वर्यम जो ट्रस्ट था दूसरा ट्रस्ट था और जिन्होंने डोनेट जो डोनर हैं उनके लिए उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं हैं ऐसे अच्छे लोग दुनिया में हैं तो दुनिया चल रही है क्योंकि ये जो अच्छे लोग हैं ना जैसा गाड़ी में फ्यूल काम करता है गाड़ी चलाने के लिए जो दुनिया चल रही है ना ऐसे कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है तो ह्यूमैनिटी है